ये है दूसरा पार्ट मोशन ग्राफिक वीडियो का। तो इस वीडियो में हम मोशन बैनर को कंप्लीट कर देंगे। तो अब तक हमने क्या बनाया, चलिए एक बार देख लेते हैं। ये मैंने बनाया है, सो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम आगे और बनाएंगे, ठीक है। अब हमारा जो कंप्लीट हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पर। तो हम अपने कीबोर्ड पर एन प्रेस करेंगे, अब राइट क्लिक करेंगे, ट्रिम कॉम्ब टू वर्क एरिया, इस पर क्लिक कर देंगे। एंड अब हमारा जो कॉम्ब है वो लगभग 7 सेकंड का हो चुका है। सो ये रहा हमारा वर्क एरिया। तो यहाँ तक ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब हमें सबको क्लोज कर देना, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, हमने ऑल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यू प्रेस कर देंगे, फिर से यू प्रेस करेंगे, तो हमारे पास ये सिंपल हमारे पास लेयर आ जाएगी। ओके, अब अपने प्रोजेक्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हमने कॉम्प बना रखी मोशन बैनर के नाम से, ये वाली कॉम्प है हमारी। तो अब हम एक न्यू कॉम्प बनाते हैं। सो इस पर क्रिएट अ न्यू कॉम्प, इस पर क्लिक करेंगे, या फिर हम यहाँ पर चले जाते हैं न्यू कॉम्पोजिशन, इस पर क्लिक कर देंगे। ओके, वही साइज वही सब देना है, ओके कर देना है और कुछ नहीं करना है, बस वही साइज आ गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये वाली इमेज लाते हैं, ये वाली जो हमारी बैनर की है। सो हमने 1 2 3, अब हमें ये वाला कलर चूज़ करना है। तो आई ड्रॉपर टूल लेंगे एंड ये कलर पिक कर लेंगे, और ये कलर पिक कर लिया हमने। अब इसको हम कर देंगे डिलीट, अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर देंगे। अब हम यहाँ पर न्यू सॉलिड लेंगे एंड उसका कलर हम रखेंगे ये वाला, एंड ओके कर देंगे। तो हमारे पास ये कलर आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपनी इमेज लाएंगे, इमेज तीसरी ये ले आए हम, एंड इसको हम रख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम अमेजिंग टेस्ट, इसका कलर हम वाइट रखेंगे, एंड इसको हम ओके, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें देखिए कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, हमें सिंपल ऐसे ही रहने देना है। ओके, मोशन बैनर अपनी फिर से उस पर आएंगे, और यहाँ पर हम इसको रखेंगे 3 सेकंड का, यहाँ पर है 3 सेकंड, ओके। एंड इसको फिर से हम एन प्रेस कर देंगे, ये वाली हमारी कॉम्प होगी। अब राइट क्लिक करेंगे, ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया, इस पर क्लिक कर देंगे। 3 सेकंड की ये हमारे पास आ गई है, सिंपल से कुछ नहीं हो रहा है, इस पर सिंपल है एकदम। अब यहाँ पर हम फिर से एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करेंगे, जो कि होगी फाइनल, बिल्कुल फाइनल। ओके, न्यू कॉम्पोजिशन, इसका नाम रख देते हैं हम फाइनल। और 12 ये सब हमें साइज वही रखना है, एंड यहाँ से इसका टाइम बढ़ा लेना है 20 सेकंड, ओके कर देना है। अब हमारे पास ये न्यू आई है, ओके, ये वाली हमारी कॉम्प 1 के नाम से है, जिसमें हमने कोई एनिमेशन नहीं दी है, और ये हमारी मोशन बैनर के नाम से है, जिस पर हमने ये काम कराया। अब हम फाइनल वाली पर आते हैं, एंड यहाँ पर होगी मोशन बैनर ये वाली है, इसको हम उठाकर सिंपल यहाँ पर रख लेते हैं। हमारी ये जो एनिमेशन हमने काम किया था वो यहाँ पर आ चुका है, एंड मैं इसमें अभी मैंने अलग अलग कॉम्प क्यों बनाई है मैं आपको अब बताऊंगा, आप समझ रहे होंगे क्यों हम अलग अलग बना रहे हैं। तो हमारी जो सेपरेट वाली एनिमेशन है ये वाली, इसका नाम कॉम्प 1 है, तो इसको हम उठाकर ये रही, इसको हम उठाकर ऊपर रख देते हैं यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर ले आएंगे ये। तो हमारी ये सिंपल एनिमेशन है एक, ओके, तो इसको हम अब एनिमेट करेंगे दोस्तों, इसको हम आगे ले आते हैं अभी। तो इस वाली लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे एंड पी प्रेस करेंगे, पोजीशन खुलकर आ गई हमारे पास। ओके, इस स्टॉपवॉच आइकन पर क्लिक करके
वीडियो को थोड़ा सा आगे लाता है, इसको हम ले आते हैं यहाँ पर एंड इसको हमें गाइस बिल्कुल सीन में मिलाना है। यहाँ पर शिफ्ट दबाकर आपको ड्रैग करेंगे तो आपका सीधा मूव होगा एंड इसको हमें बिल्कुल इससे मिलाना है, यहाँ पर रखना है। अगर आप यहाँ पर नहीं रखोगे तो आपका एनिमेशन बेकार हो जाएगा। ठीक है, हमने ये कर लिया है, ये एनिमेशन हमारी हो गई। इसको हम स्मूथ कर देते हैं F9 दबाकर, F9 दबाकर हमने स्मूथ कर लिया, ये हो गई कुछ ऐसे। इसको हम और पास ले आते हैं ये, तो इसको हम रख लेते हैं एंड में यहाँ पर, परफेक्ट। अब इसको हम लाते हैं यहाँ पर आगे, हमारी एनिमेशन में ये एकदम से आ गया है। ओके, ये एकदम से आ रहा है, तो यहाँ पर हमें चमकना चाहिए, इस की फ्रेम के ऊपर ये होना चाहिए। ओके, ये वाला दूसरी हमारी कॉम्प, ये वाली कॉम्प हमारे इस वाली लेयर के ऊपर होनी चाहिए, इन की फ्रेम के ओके यहाँ पर होनी चाहिए। अब इसको हम ले आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हमें बिल्कुल इसको भी सीन में रखना है, यहाँ पर और आगे ले आना है थोड़ी सी, तो यहाँ पर हमने रख दिया है। ओके, अब हम इसको पेरेंट कर देते हैं मोशन बैनर से, हम अपनी एनिमेशन को चलाएंगे तो एक कुछ ऐसा हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल है गाइस, बहुत आसान है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं अपने मोशन बैनर को, तो इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा आगे, सो इसको कर लेते हैं हम स्मूथ, ये परफेक्ट। तो हमारा जो बैनर है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। ओके, अब यहाँ पर हम इसको, यहाँ पर हम इस पर की फ्रेम लगाएंगे, पी प्रेस करेंगे, हमारा पास स्टॉप वॉच आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे एंड थोड़ी सी वीडियो को आगे लाएंगे और यहाँ पर हम इसको बिल्कुल सीध में रखना है हमें, यहाँ पर भी इसको हम सीध में रखेंगे, बिल्कुल जूम कर लेंगे, फुल जूम करेंगे एंड इसको रखना है हमें यहाँ पर बिल्कुल सीध में इसके किनोर पे। ओके, तो ये कुछ ऐसा एनिमेट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक न्यू सॉलिड लेते हैं, सॉलिड एंड उसका कलर ये वाला रखेंगे। ओके, तो हमारे पास सॉलिड आई है, तो अभी ये पूरी चल रही है। ओके, तो इसको हम काट कर यहाँ पर रख देते हैं, तो अब ये गायब हो जाएगी, अब हमारी एनिमेशन के ऊपर नहीं आएगी। ओके, तो इस सॉलिड को भी हम ऊपर रख देंगे यहाँ पर, इसको जूम कर लेंगे हम फुल जूम एंड इसको रखेंगे हम यहाँ पर, एंड अब अगर हम अपनी, अब हमें इसको पेरेंट कर देना है अपनी कॉम्प से। अब अगर हम अपनी एनिमेशन देखते हैं तो ये कुछ अब हमें यहाँ पर आना है एंड इसको कर देना है पेरेंट इससे, सो ये होगी पेरेंट यहाँ पर एंड ये होया एंड ये देंगे। ओके, हमारे पास ये आ चुकी है। अब इसको हम स्मूथ करने के लिए F9 कर देंगे
स्मूथ के लिए F9, ओके। यहाँ से देखते हैं हम अपनी एनिमेशन। अभी यहाँ पर ये एकदम से हो रहा है दोस्तों, तो इसको हम आगे ले आते हैं की फ्रेम को, एंड इसको भी हम इन दोनों को आगे ले आते हैं यहां पर। तो अब ये थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। अब हमें लास्ट एनिमेशन करनी है, बस लास्ट एनिमेशन हमारी यहां पर शुरू होगी। ओके, अब अपनी इमेज को लाएंगे, तीसरी हो गई, चौथी ये वाली इमेज हमारी यहाँ पर आ गई। ओके, इसको हम रख लेते हैं यहाँ पर, एंड इस पर हमें इसको हम काट कर यहाँ पर रख लेते हैं पहले तो यहाँ पर। तो ये आया है, ये आया, तो यहाँ पर हम आएंगे, एस प्रेस करेंगे इस वाली लेयर पर रहते हुए एस, सो स्केल की प्रॉपर्टी हमारे पास खुलकर आ जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर कर देंगे हम इसे 0, आगे आएंगे यहाँ पर कर देंगे हम इसे 120, आगे आएंगे एंड यहाँ पर कर देंगे हम इसको 100, तो थोड़ा सा बाउंस इफेक्ट हो जाएगा। तो अब हम की फ्रेम को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम इसको इजीज करेंगे F9 से। ओके, अब ग्राफ एडिटर में जाकर इनको थोड़ा सा स्मूथनेस दे देते हैं इनकी की फ्रेम पर। सो परफेक्ट, एंड इसको हम रख लेते हैं यहाँ पर, सबको सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके इनको यहाँ पर रख लेते हैं, थोड़ा सा और आगे ले आते हैं, ये परफेक्ट। सो ऐसे हमें रख लेनी है। यहाँ पर हमारी एनिमेशन चली गई, ये आई, ये परफेक्ट। सो इसका नाम हम रख देते हैं, इसका टेक्स्ट हम रखेंगे गुड सर्विस, इसका कलर हम वाइट रखेंगे गुड। इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे, टेक्स्ट को अपनी कंट्रोल डी मूव टूल सेलेक्ट करेंगे, इसको हम यहाँ पर रख लेंगे, एंड टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके यहाँ पर हम लिखेंगे। सो हमने यहाँ पर लिख दिया है, अब हम इनको एनिमेट करेंगे। सबसे पहले हम इसको ट्रिम कर लेते हैं यहाँ तक, टेक्स्ट को ट्रिम कर लिया आपने, एंड ये हमारा टेक्स्ट हो गया। अब हम अपने टेक्स्ट को अब दोनों को सिलेक्ट करेंगे, हम अपने टेक्स्ट को पी प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर की फ्रेम लगाएंगे, एंड इन की फ्रेम को आगे भेज देंगे, यहाँ पर हम इनको रख देंगे यहाँ पर। तो अब हम एनिमेशन चलाएंगे तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी, अभी ये बहुत स्लो है तो मैं इनको उठाकर यहाँ पर रख लेता हूँ। अब इनको हम F9 कर देंगे, इजी इज F9, F9 हो गई। ग्राफ एडिटर में जाकर इनको हम कर देंगे कुछ इस टाइप से, एंड अब हम इनका ऐसे रख देंगे, ओके ये गया, एंड हमें इनको यहाँ पर रखना है
गुड सर्विस। तो हमारी जो इमेज है वो थोड़ी छोटी लग रही है मुझे, तो मैं एस प्रेस करूँगा एंड इस वाली की पर इसको रख दूंगा मैं 1 10 इतनी। और इन पर हम ब्लर करेंगे, ब्लर सेलेक्ट करेंगे सबको, इसको भी सब पर भी हम ब्लर का आइकन कर देंगे। ओके, ये हो गई हमारी एनिमेट। तो हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। तो एक बार मैं आपको अब दिखा देता हूँ। सो यहां पर हमारी हो चुकी है कंप्लीट। ओके, अब जो है हमें करना है इनको प्री कंपोज, तो इसको कर देते हम। देखिए यहां पर मैं इस लेयर को नहीं कर रहा हूँ, येलो को नहीं कर रहा हूँ, मेरी इमेज टेक्स्ट इन दोनों को, इन तीनों को कर रहा हूँ। ओके, तो राइट क्लिक करेंगे प्री कंपोज और इनका नाम रख देते हैं हम 4th इमेज। सो ये यहां पर हो जाएगी। सो यहां पर हमें एक जल्दी से एक न्यू सॉलिड ले लेनी है एंड उसका कलर हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये वाला कलर कोड ही आप ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक सॉलिड आई है, इसको हम रख लेते हैं यहाँ पर। पी प्रेस करेंगे, अब पोजीशन पर की फ्रेम लगाएंगे, थोड़ी सी वीडियो आगे आएंगे एंड यहाँ पर इसको अलाइन कर लेंगे कि यहाँ पर हमारे पास की फ्रेम बनकर आ जाएगी। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारी एनिमेशन चल रही है एंड यहाँ पर ये आ गया है। ओके, F9 करेंगे इनको जल्दी से F9 एंड यहाँ पर ग्राफ एडिटर में जाकर इनको भी स्मूथ कर लेंगे। इसको हम कर देंगे कुछ ऐसे। सो ये इस टाइप से हो जाएगी। सो इसको हम स्पीड हल्की कर लेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे हेल्दी विकास। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, हेल्दी विदस। ओके, एंड यहाँ पर हम इसको यहाँ पर रखेंगे। पहले हम इनको अलाइन कर लेते हैं दोनों को, एक एक करके इनको यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर करेंगे। अब हमें जाना है ऊपर, थोड़ा सा शिफ्ट दबाकर ऊपर की, शिफ्ट दबाकर नीचे एंड इसको हम कर लेंगे शिफ्ट दबाकर साइड में 2 बार एंड इसको भी शिफ्ट दबाकर साइड में 2 बार एंड इनको थोड़ा थोड़ा सा हम नीचे कर लेंगे। एक दो तीन, ये हमने कर लिया। अब हम देंगे यहाँ पर इनको पोजीशन पर की, तो पी दबाएंगे, पी यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस की फ्रेम को आगे ले आएंगे, यहाँ पर इसको हम ले आएंगे यहाँ पर। ये हो गई हमारी एनिमेशन। राइट क्लिक F9 करेंगे इनको एंड यहाँ पर ग्राफ एडिटर में जाकर इनको कर देंगे कुछ इस टाइप से। इसकी फ्रेम को हम लाएंगे थोड़ा सा आगे, तो ये हो गई हमारी ऐसे। अब इसी तरह से हम इसको भी कर देंगे, इसको हम आएंगे पी पोजिशन पर क्लिक करेंगे, इसको कर देंगे हम यहाँ पर एंड इसको ले आएंगे हम यहाँ पर एंड F9 दबाएंगे। F9 ग्राफ एडिटर में जाकर इसको भी हम ऐसे ही कर देंगे इस टाइप से। ओके, तो ये हो गई हमारी इस टाइप से। ब्लर कर देंगे दोनों पर, नाइस। एंड एन प्रेस कर देंगे। अब देखते हैं हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है वैसे तो। ये हुई एंड ये
इस टेक्स्ट को हम आगे ला सकते हैं। अभी मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, मतलब चलो मैं आगे ही ले आता हूँ। तो पी प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम इसको ले आएंगे शिफ्ट दबाकर थोड़ा सा आगे। एक बार इसको भी हम ले आएंगे यहाँ पर शिफ्ट दबाकर आगे। तो फाइनल में देखते हैं, तो ये आ चुका है यहाँ पर। मैं जल्दी में कर रहा हूँ दोस्तों, आप ये मत कीजिएगा, आपकी समझ में नहीं आए तो आप मत कीजिएगा ये। सो ये बन चुकी है दोस्तों। मुझे अभी टाइम कुछ और काम करना है, तो मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ यहीं। पूरी हो चुकी है और इसमें हम कुछ नहीं करना है। तो सो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी आई थिंक, एंड अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई थी जो मुझे अभी कमेंट आया था, मैंने उनके लिए बनाई, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे कमेंट करा था, मुझे सजेस्ट किया था। तो ऐसे ही मुझे सजेस्ट करते रहिए, मैं उन पर वीडियो बनाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।